आपको बताएं, खुर्रम जकी कत्ल केस से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। खुर्रम जकी के कत्ल केस के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई। मुलजिम एक महीने से खुर्रम जकी की रैकी कर रहे थे। वारदात से कबल मुलजिमान के साथी होटल में मौजूद थे। आपको बताएं, हादसे की जगह की जियो फेंसिंग भी की जा रही है। मुलजिमान की तरफ से फोन पर किए गए राबतों का इल्म होगा। खुर्रम जकी के कत्ल से मुतालिक अहम पेशरफ्त, मुलजिम एक महीने से खुर्रम जकी की रैकी कर रहे थे, इसी बारे में जानेंगे दानियाल सैयद से। दानियाल, अपडेट कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल कराची में हफ्ते के रात जो है नॉर्थ कराची के इलाके सेक्टर 11B में, जहां सिविल सोसाइटी के अहम रहनुमा खुर्रम जकी को निशाना बनाया गया था दहशतगर्दों की जानिब से, अब तफ्तीशी ज़राओं ने जो है अहम पेशरफ्त की है। और जो तफ्तीशी ज़रा है उनका कहना है कि खुर्रम जकी को कत्ल किए जाने से कबल मुलजमान जो है वो उनके साथ ही होटल पर मौजूद थे, जबकि मुलजमान के साथ ही खुर्रम जकी के ऊपर नजर भी रखे हुए थे। और गुज़िश्ता एक माह से खुर्रम जकी की जो एक्टिविटीज थी उनकी मुकम्मल तौर पर रैकी की जा रही थी, जबकि तफ्तीशी ज़रा का ये भी कहना है कि इस वाक्य की जियो फाइनेंसिंग भी कराई जा रही है, उससे ये मालूम हो सकेगा कि जो मुलजमान होटल पर जो मौजूद थे आया वो उन हमला आवरों से रास्ते में थे या नहीं थे। तो तमाम तरह जो सूरत हाल है उसकी तहत जियो फाइनेंसिंग कराई जा रही है। दूसरी जानब तफ्तीशी ज़रा ने इस बात की भी जो है कहा है कि जो ऐनी शाहिदीन थे उनकी मदद से मुलजमान के खाके भी तैयार किए जा रहे हैं। अच्छा दानियाल, ये बताइए, इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई कि नहीं? देखें, अब तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। कत्ल का मुकदमा सर से ये थाने में दर्ज हो चुका है, कत्ल इकदाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत, लेकिन अब तक पुलिस ने किसी किस्म की कोई खास कार्रवाई नहीं की है। अभी ये तफ्तीशी जराए के मुताबिक जियो फाइनेंसिंग कराई जा रही है तमाम तरह बाकी की। और इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि जो हमला आवर थे वो गुज़िश्ता एक माह से खुर्रम जकी की रैकी कर रहे थे, और जिस होटल पर खुर्रम जकी और उनके दोस्तों पर फायरिंग की गई थी उसी होटल पर जो हमला आवर थे उनके कुछ साथी पहले से मौजूद थे जो खुर्रम जकी के ऊपर नजर रखे हुए थे। ये तमाम तरह जो इब्तदाई मालूम है, इब्तदाई तफ्तीश है, वो असास इदारों ने और तफ्तीशी हुकाम ने जो है वो जमा की। और उसके बाद अब जो जगह थी जहाँ पर खुर्रम जकी जो सिविल सोसाइटी के रहनुमा थे उनको फायरिंग करके शहीद किया गया था, उस मकाम की अब जियो फाइनेंसिंग का अमल की जा रही है। दानियाल, ये बताइए कि ऐनी शाहिदीन की मदद से खाके तैयार किए गए? देखें, बिल्कुल जो तफ्तीशी ज़राए हैं उनका कहना है कि ऐनी शाहिदीन की मदद से खाके तैयार किए जाएंगे, लेकिन अब तक खाके तैयार नहीं किए जा सके हैं। दूसरी जानब जो सीसीटीवी की बात की जा रही थी आला हुकाम की जानब से कि सीसीटीवी फुटेज हासिल की जाए, तो पुलिस ज़राए का कहना है कि एक तो मुकाम से सीसीटीवी फुटेज को हासिल किया गया, लेकिन उसमें हमला आवर और जो मोटरसाइकिल पर सवार जो चार हमला आवर थे। जी ठीक है, शुक्रिया दानियाल सैयद।